नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे नंबर 8 ऑफ CDP सीरीज, आज हमारी लास्ट वीडियो रहेगी और हमारे CDP के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे लगभग A to Z कवर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं बची हुई थ्योरीज की, जिसमें सबसे पहले देखते हैं टोलमैन साइन लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी टोलमैन ने दी है और ये जो थ्योरी है ये मिडवे बिटवीन है, यानी बीच में पड़ती है SR थ्योरी और कॉग्निविस्टिक थ्योरीज के बीच में। एक होती है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसके बारे में हम फर्दर थोड़ी देर में बात करेंगे। दो जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड हमने थ्योरीज पढ़ी थी उसके और गेस्टाल्ट थ्योरीज के बीच में पड़ती है ये। तो टोलमैन ने जो है अपना जो थ्योरी है इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था माउस यानी चूहे के ऊपर, और ये पर्पोसिव बिहेवियरिज्म की बात करते हैं कि किसी ना किसी बिहेवियर के पीछे कोई पर्पस छुपा होता है, तभी वैसा बिहेवियर लर्नर शो करता है। तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, एक चूहे को लिया और जैसे मान लो खाना यहाँ पे रख दिया, इन्होंने मेज लिया, एक भूल भुलैया क्रिएट किया। जैसे ये है हमारे पास A, B, C और D, ये इसकी पोजीशन है। पहले चूहे को A पे खड़ा किया और खाना रख दिया B पे, तो चूहा कहाँ कहाँ जा सकता है? चूहे की डायरेक्शन सीधे हो सकती है, इधर भी जा सकता है चूहा, और जहाँ पे खाना रखा हुआ है उस साइड भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो चूहा है वो ज़्यादातर इसी साइड जा रहा है जहाँ पे खाना रखा हुआ है। अगर फिर उन्होंने क्या बात किया कि हो सकता है कि कोई कॉग्निटिव मैप, दिमाग में चूहे ने कोई मैप बना लिया हो कि बस मुझे इसी साइड चलना है। तो उन्होंने क्या किया, अब की बार खाना यहाँ रखा, अब की बार देखा कि चूहा इस साइड नहीं जा रहा, चूहा इसी साइड जा रहा है। मतलब जिस साइड खाना रखा हुआ था, अगर सामने रखा होता तो खाना चूहा कहाँ जाता, सामने जाता। तो इन्होंने ये कहा कि एक पर्पस है इसके बिहेवियर के पीछे, चूहे के बिहेवियर के पीछे, वो ये है कि जिस साइड उसको अपना गोल दिखाई दे रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। जैसे खाना इस साइड है तो चूहा इस साइड नहीं जाएगा, चूहा इसी साइड जाएगा जिधर खाना है। तो इधर से ये बात करते हैं पर्पसिव बिहेवियरिज्म की, कि लर्नर वैसा ही बिहेवियर शो करेगा जैसा उसके गोल के लिए नेसेसरी है। तो ऐसे ही लर्निंग के दौरान जो लर्नर है उसकी एक लेटेंट लर्निंग होती है। लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या है? लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है छिपी हुई लर्निंग, कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो कई बार अनकॉन्शियसली हम ऐसी चीज़ें भी सीख जाते हैं जो हम कोई एफर्ट लगा के नहीं सीखते। तो ऐसी लर्निंग क्या करती है, बिना किसी ऑब्वियस रिवॉर्ड के हम इस चीज़ को सीख लेते हैं। और इस तरीके की लर्निंग तब काम आती है जब ऐसी एक सुटेबल मोटिवेशन या सर्कमटांस हमारे आगे अपेयर हो जाए, ऐसा सर्कमटांस या फिर सिचुएशन हमारे सामने आए जिसमें उस लर्निंग की आवश्यकता है। तो उस टाइम जो ये लेटेंट लर्निंग हमारी हुई है, छिपी हुई लर्निंग, उस टाइम वो शो होती है। तो अब ये जो कॉग्निटिव मैप या साइन लर्निंग थ्योरी हमने बात की है, इसमें मेन यही थॉट है कि ये जो हमारी लर्निंग होती है ये पर्पसफुल होती है, इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, तभी लर्नर ऐसा बिहेवियर शो करता है। ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ये गेस्टाल्ट की भी बात करता है, यानी होल कंप्लीट की भी बात करता है, कि चूहा कंप्लीट लर्निंग यहाँ पे शो करेगा। तो ये जो है हमारे पास लर्निंग थ्योरी, ये बेसिकली यही है कि जो लर्नर है उसका बिहेवियर पर्पसिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये टोलमैन की साइन लर्निंग है, इसकी बताती है कोलर्स गेस्टाल्ट या फिर इनसाइट लर्निंग। अब कोलर ने अपनी गेस्टाल्ट, सबसे पहले गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल यानी पूरा कंप्लीट, तो इन्होंने इनसाइट मतलब हमारे अंदर क्या है। तो इन्होंने क्या किया, एक चिंपांजी लिया और उसे ऐसे पिंजरे में बंद किया। अब ये चिंपांजी जब पिंजरे में बंद हुआ तो ऊपर इन्होंने क्या किया, केले लटका दिए, बनानास लटका दिए। अब ये जो चिंपांजी है इसने पूरी कोशिश की कि वो उस बनाना तक पहुंच जाए। सबसे पहले उसने क्या किया, जंप करके पकड़ने की कोशिश की जो उसके पास ऊपर बनाना टंगे हुए थे उन्हें, लेकिन वो असफल रहा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उसके पास एक डंडा पड़ा हुआ था उस पिंजरे में, उसने उस डंडे की हेल्प से तोड़ने की कोशिश की, ऊपर से निकालने की कोशिश की कि केले नीचे गिर जाएं और मैं खा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो डंडा जो था वो छोटा था। फिर वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ था, फिर जो चिंपांजी है उसने यहाँ पे कोई ऐसी ब्लाइंडली ट्रायल्स नहीं की, उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया और उसके बाद उसने बॉक्स को लिया और बॉक्स के ऊपर खड़े होकर उस डंडे की हेल्प से उस केले को निकाल लिया और इस बार वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये क्या है, इनसाइट लर्निंग है, कि हमारे दिमाग को भी हम पढ़कर कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करते हैं जब हमें क्लियर गोल दिखाई देता है।
तो इसे ही कहते हैं गैस्ट्रोल्ड, यानी हम क्या करते हैं कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं, ना कि ब्लाइंड ट्रायल्स। हम पार्ट में रिएक्ट नहीं करते, टोटलिटी में करते हैं। हम पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, पूरी जो सिचुएशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखते हैं, कम्प्लीट टोटल वे में देखते हैं, उसके बाद हमारा जो गोल है उसकी तरफ क्लियर वे में देखते हैं, और फिर जनरलाइज करते हैं कि क्या तरीका हो सकता है। और ऐसे ही सोचते सोचते हमें सडन सॉल्यूशन मिल जाता है, फिर हम अपनी इस नॉलेज को अपने बिहेवियर में लेके उस चीज़ को सीख पाते हैं या कर पाते हैं। तो इससे यही पता चलता है कि जो चिंपांजी था उसने भी कोई ब्लाइंड ट्रायल नहीं किया, उसने अपनी इंटेलेक्ट अपने दिमाग का यूज़ किया, और उस सिचुएशन को पार्ट्स में ना करते हुए, शुरू में तो उसने पार्ट्स में ही किया, जैसे कि उसने क्या किया, पहले डंडे की हेल्प से तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया, बॉक्स को फेंक के मारने की कोशिश की नहीं हो पाया, फिर उसने बॉक्स और डंडे की दोनों को टोटल मिलाकर उस चीज़ के ऊपर काम किया, तब जाके उसकी लर्निंग सक्सेसफुल हुई। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी यही होती हैं कि जब हमें सब्जेक्ट मैटर टोटल में दिया जाता है तब हम उसको अच्छे से कर पाते हैं, और जो करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए होल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें किसी चीज़ की कमी हो, सारी चीज़ें मिलकर हमारे करिकुलम को यहाँ पे फॉर्म करें। उसके बाद मोटिवेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे चिंपांजी के पास वो केले वो बनाना क्या थे मोटिवेशन का काम कर रहे थे, इसी तरीके से अगर क्लियर गोल होगा लर्नर के सामने तो उसे मोटिवेशन देता रहेगा। ऐसी लर्निंग से जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी कहीं ना कहीं इन्हांस होती है। इसके बाद हमारे पास आती है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है, कंस्ट्रक्ट यानी निर्माण करना। इसका जिक्र मैं पहले वीडियो में भी कर चुकी हूँ कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, लर्नर अपनी नॉलेज को खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कंस्ट्रक्ट करता है। लर्नर इसमें एक्टिव होता है, और जो टीचर होता है वो क्या करता है सिचुएशन को फैसिलिटेट करता है। तो वो क्या करता है फैसिलिटेटर का काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं टीचर क्या करता है सिर्फ एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है और बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स को लेके आता है, और बच्चे खुद उनकी हेल्प से अपनी जो लर्निंग है उसको प्रोसीड करते हैं और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आएगी ये बहुत परफेक्ट यहाँ पे लर्निंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चा ही मेन काम कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा इंगेजिंग होती है। इसके ज़रिए बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी यहाँ पे डेवलप होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपने सारी जो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए CDP सीरीज़ के अलावा बाकी पेडागोजिक की भी वो आपने देख ली हो, नहीं देखी है तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।